नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में आपको लगाना आना चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। जो एक स्टॉप लॉस होता है वो निश्चित समय के लिए, यानी कि एक प्राइमरी होता है, यानी कि वो फिक्स रहता है। समझो इस रेंज पे मुझे आने के बाद मुझे एग्जिट मारने का है, तो ये एक प्राइमरी स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन जिस जिस तरीके से आपका मार्केट बढ़ जाता है उसी तरीके से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से होते हैं। समझो यहाँ पे टारगेट अचीव किया तो ये स्टॉप लॉस हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरीके से जो एक निखाइत यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रेडर जिसमें स्टॉप लॉस में मास्टरी की है, उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत काम की चीज़ होती है। वो लगभग 70% से लेके 50% तक नहीं क्या उसमें ये करता है क्या, इसमें प्रॉफिट बनाता है। और अगर आप उस प्रकार से देखें, अगर प्राइमरी स्टॉप लॉस में हम लगभग समझो ये प्राइमरी स्टॉप लॉस है, इसमें हम लगभग 25 से लेके 35 के बीच में नहीं क्या इसमें हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात होती है कि जब स्टॉप लॉस हिट होकर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस हिट होता है फिर मार्केट ऊपर जाता है, तब तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। ऐसे बहुत केसेस में हमें देखने को मिला है कि अक्सर लोग बोलते समय जब स्टडी करते हैं, कुछ काम करते हैं, मार्केट के बारे में थोड़ा करते हैं, तब उनके दिमाग में रहता है स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन जब एक्चुअली समय आता है स्टॉप लॉस लगाने का, जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या ट्रेड लेते हैं, तब कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ना प्राइमरी लगाते हैं ना ट्रेलिंग लगाते, कुछ नहीं लगाते। और उनका कैपिटल धीरे 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 मार्केट उसमें उसका पूरा मार्केट उसका जो मार्केट है वो कैपिटल उनका पूरा खा लेता है और उनको लॉस सहना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जो भी स्टॉप लॉस के बारे में शंका कुशंका होगी, आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगले दो वीडियो, एक स्पेशल प्राइमरी स्टॉप लॉस के ऊपर होगा और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, यानी कि अभी यहाँ पे आपको किस तरीके से, ऐसे बहुत से उदाहरण है जो कि स्टॉप लॉस लगा नहीं लगाने के बाद उनका कैपिटल समझो 1 लाख का उन्होंने ट्रेड ले लिया है तो वो 10-12 मिनटों में उनके सोहा हो चुके हैं, यानी कि उनका कैपिटल पूरा गया है। जितना ट्रेड उन्होंने किया है वो पूरा उनका लॉस हो चुका है। और जिसने भी स्टॉप लॉस लगाया है उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे समझो 12% या 25% मुझे मेरे कैपिटल का उसमें मुझे नुकसान सहना पड़ता है और मैं सहल भी लूँगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो 100% तक भी नुकसान सहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता स्टॉप लॉस उनकी, जब स्टॉप लॉस लगाते हैं समझो वो उनमें से समझो 25% मुझे नुकसान सहना है 100 में से, तो उनके 75% पैसे बच जाते हैं। वैसे ही जैसे कि 1 लाख रुपए हमने लगा लिए, समझो 1 लाख रुपए लगा लिए, उनमें से हमने 25 का लॉस सह लिया, हमारे पास 75,000 रुपए यहाँ पे बच सकते हैं अगले ट्रेड के लिए। तो उसी प्रकार से स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के बारे में है। और आने वाले वक्त में हम आपको इसमें दो वीडियो देंगे, ये एक यहाँ पे होगा प्राइमरी स्टॉप लॉस के बारे में, दो वीडियो होंगे आपके यहाँ पे जो आपके लिए एक डेलिकेट वीडियो होगी, यानी स्पेशल स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। एक पहला वीडियो ये रहेगा, दूसरा वीडियो ये रहेगा, और अभी का जो बन रहा है एक वीडियो रहेगा, यानी पूरा स्टॉप लॉस हम पूरा कवर करेंगे 3 वीडियो में। अभी प्राइमरी स्टॉप लॉस में क्या रहता है कि समझो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल क्या, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब चार्ट के ऊपर आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि प्राइमरी स्टॉप समझो यहाँ पे कुछ ट्रेड चल रहा है, समझो क्यों यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे हमने बाय किया है समझो इस लेवल पे, तो उसकी जो कैंडल की वीथ होती है उसका एक समझो 10% 20% कितना भी होगा, समझो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया यहाँ पे, तो जब इस मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तब मैं यहाँ मार्केट से एग्जिट मारूंगा। तो ये प्राइमरी स्टॉप लॉस होता है।
ट्रिलियन चौपड़ा किस तरीके से होता है, समझो यहाँ पे समझो कुछ मार्केट इस तरीके से जा रहा है, मैंने बाय तो यहाँ किया है, नहीं क्या बाय मेरा यहाँ किया है, लेकिन मेरे मुझे लगता है कि मैं अभी इस मार्केट से बहुत मार्केट का जो ट्रेंड है बहुत बुलिश ट्रेंड है, तो मैं यहाँ से 50% तक यहाँ पे मैं जो अगर नुकसान होगा तो मैं सह सकता हूँ, तो ये 50% का समझो यहाँ पे होता है, यहाँ पे समझो यहाँ पे 50%, यहाँ पे ये जो 50% है, अगर समझो यहाँ से इसने यहाँ पे 50% मारा समझो ऊपर चला गया, तो ये मेरा अगला स्टॉप लॉस होगा, यानी कि मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पे है और स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूंगा, फिर मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे गया, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे करूंगा, यानी कि समझो अगर आपको तो बताने का है, समझो मैंने मार्क अभी यहाँ पे 21,500 समझो निफ्टी चल रही है, उसके नीचे हमने समझो 21,400 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया समझो 21,600 पे हमारा मार्केट चला गया, पहला यह हम एस सेल था हमारा यहाँ पे 400 पे था, उसके बाद हमारा 600 पे मार्केट गया, तो फिर हमारा एस सेल का हो गया 500, जो एस सेल था वो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया 500 पे हो गया, फिर मार्केट 21,700 पे गया, फिर हमारा एस सेल मुझे स्टॉप लॉस कौन सा हो गया यहाँ पे हो गया कौन सा 21,600, फिर मार्केट समझो यहाँ पे 21,800 पे मार्केट चला गया, समझे उधर इतना मार्केट नहीं जाता, लेकिन हमें ट्रेडिंग इस तरीके से करनी है, आप मैं तो 100-100 के नंबर में बता रहा हूँ आपको, आप 10-12 नंबर भी कर सकते हैं इस तरीके से, फिर मेरा ये 700 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यानी कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर ऊपर बढ़ता है उस तरीके से आपकी जो रेंज होती है वो स्टॉप लॉस की वो भी आगे आगे बढ़ती है, तो हमें इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, तो दो तरीके से स्टॉप लॉस होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक ट्रेलिंग होता है, इसके ऊपर मैं पूरे तरीके से एक अच्छा सा वीडियो बनूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो बनूंगा चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से होता है, तो आज की वीडियो में हम यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।